गजब गजब घर जमाई। वो नानी जी का सपोला इधर से आया था और मैं इधर से आया था और इसी जगह पे टकराए थे। चार बार उछला था वो यहाँ। चिंटू जी, कुछ खो गया है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं खोया। आपको कुछ मिला है? जब कुछ खोया ही नहीं है तो हमें मिलेगा क्या? अरे आपको पता है, संध्या जी की आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अब देखना ये है कि उनकी सास उन्हें चाबी देती है या नहीं। चाबी? हाँ, घर की चाबियाँ। हाँ, वैसे तो हम कल प्राइम टाइम में देख चुके हैं, पर आज रिपीट टेलीकास्ट भी देखना है। हमारा फेवरेट है ना, हम देखते आते हैं। इधर मेरे अलावा इस घर में और कौन है जिसकी तिजोरी की चाबियों पर नजर है? पता लगाना पड़ेगा। विज्ञान जी, आपके नाम का 800 का काम कर दिया है। आपके नाम का हमने 700 का काम कर दिया है। अब तो पैसे मिलने का भी वक्त आ गया है। विज्ञान जी, आपको क्या लगता है कि पैसे मिलने के टाइम तक हमारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा ना? क्या है कि पिछली बार की तरह मैं एक कान से बहरी नहीं होना चाहती। घबराओ नहीं जीवन संगनी, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। कष्ट? ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? हमने कहा था ना, इस बार कान पे असर नहीं आएगा। कौन है? कौन है यहाँ? मैया, मैया आप कुछ बोल क्यों नहीं रही मैया? मैया, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आज उनकी दवाई का फिर से उल्टा असर हो गया। पेट के दर्द का इंजेक्शन देना था और अब सब धुंधला दिखाई दे रहा है। मैया, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? ठीक है, आप मुझसे बात नहीं कर रहे ना, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। जाइए मैया। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुनि, हे मुनि बेटा, मुझे मेरे कमरे में ले चल। दिखाई नहीं दे रहा, इतना धुंधला दिख रहा ना। बच गया भैया, जान बची लाखों पाए। कि बुद्धू घर को आए। कौन तू? हम यहाँ क्या कर रहे? ससुर जी के जाओ। ससुर जी, मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि आपके प्रयोग कैसे चल रहे हैं। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? कोई पैसा वैसा चाहिए हो तो ये? ससुर जी, आप तो महान हो, आप बहुत महान साइंटिस्ट हो। ये तो मेरा भाग्य है कि आप मेरे ससुर हो। मथुरा का भाग्य है, हिंदुस्तान का भाग्य है, मैं तो कह रहा हूँ पूरे विश्व का भाग्य है कि धरती पर आपका जन्म हुआ है कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? आविष्कार, आविष्कार। नासा वाले लेके जाएंगे आपको। एक दिन लेके जाएंगे आपको। ससुर जी, मैं तो धन्य हो गया, मेरा जन्म भी सफल हो गया। बस मैं हर रोज आपके ना पांव छूना चाहता हूँ, ऐसे। मैं हर रोज आपके गले लगना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे। ससुर जी, ऐसे ऐसे। और मेरे को तो बस मैं क्या बताऊँ, मैं धन्य हो गया। मैं ससुर जी धन्य हो गया। मैं सब बता रहा हूँ। स्टील का शरीर लगवाया क्या आपने? चलो, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। बस बस।
अरे ये क्या कर रहे हो? ये सरस्वती मैं चेक कर रहा हूँ कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा सही। ये कर रहा है काम कर रहा है। नहीं मिल रही। इनसे तो अपने काम के पैसे ही लेने भूल गए। अब जमाए बाबू जा चले गए। अरे अरे आप यहाँ क्या भाप रहे हैं? तिजोरी का साइज नाप रहे हैं? अरे जोर से तो नहीं लगी, दिखाइए दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, नहीं आराम से लग जी। वो देखने आया था ना, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या देखिए सब ठीक है। आप कहाँ चल दिए? अरे नहीं वो नीचे वो सब घर में सब देखना है ना, ऊपर नीचे जाके कोई गड़बड़ तो नहीं है? सुनिए तो इन्हें क्या हो गया, आज कुछ ज्यादा ही हड़बड़ा रहे, खांस भी रहे। क्या बात है साडू भाई, घर में एक बार झाड़ू लगती है, ये हर घंटे में क्यों झाड़ू लगा रहे हो? साडू भाई सोच रहा था कि मेहनताना डबल हो गया है ना, तो सफाई भी अच्छे से होनी चाहिए ना। हाँ सफाई जितनी करनी है वो तुम्हारी मर्जी है, जितनी मर्जी करो, फर्श घिस दो साफ कर करके, लेकिन मेहनताना उतना ही मिलेगा जितना बनता है। साडू भाई जितने बनते हैं उतने ही दे दीजिए, अब पेमेंट का टाइम हो गया है ना। ये मेरा और मेरी अर्धांगिनी का हिसाब है, उसे लेने आया हूँ। बेटा ये है सारा हिसाब और ये मेरा है। ये हिसाब सारा आ गया है, लेकिन हिसाब सबसे पहले चेक होगा। भरोसा किसी पे नहीं है, पता नहीं एक के दोनों ठोक रखे हो इसमें। चिंटू जी हमें ना संध्या जी के सीरियल में एक साड़ी बहुत पसंद आ गई, हमें बिल्कुल वैसी साड़ी खरीदनी, चलिए पैसे दीजिए। अरे डॉली जी मैं क्या सोच रहा हूँ आपके लिए और आप क्या सोच रही हो, एक साड़ी, अरे बंबई से संध्या जी की जितनी साड़ी है सब मंगवा ली है, आप बस वही पहनना आपसे। हाय सच्ची जी आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं चिंटू जी, थैंक यू। घर वालों के आगे थोड़ा। चिंटू जी मेरा हिसाब बाद में कर देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नाना जी ने आज तक अपनी दलाली नहीं छोड़ी और आज इन्हें अपना मूल ही नहीं चाहिए, कुछ तो है, लगता है गले मिलना पड़ेगा इनके। नाना जी मेरे प्यारे नाना जी देख लो ये सबको ना पैसे की जल्दी है, एक आप अकेले हो जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसे भूखों की तरह पैसे नहीं मांग रहे हो आप, तो गले लग जाओ नाना जी। अच्छा नाना जी और बहुत बढ़िया। ससुर जी वो देखिए नासे से कुछ आ रहा है, देखो सामने ऊपर। नाना जी मेरे प्यारे बहुत अच्छे हो नाना जी, आप बहुत अच्छे हो नाना जी। अजब गजब।